सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम सीवी फोटो एडिट करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। और मेरे भाई सीवी फोटो एडिट करेंगे, साथ साथ मेरे भाई खुद का बैकग्राउंड बनाना भी सिखाएंगे सीवी, ठीक है ना मेरे भाई। हर कोई नहीं बताता है मेरे भाई सीवी बैकग्राउंड बनाना, लेकिन मैं बताऊँगा मेरे भाई। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा मेरे भाई। और मेरे भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल है मेरे भाई, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। सबसे पहले तो मेरे भाई एडिट किया हुआ फ़ोटो और ओरिजिनल फ़ोटो देख लीजिए आप, ठीक है ना मेरे भाई। देख लीजिए मेरे भाई बिफोर एंड आफ्टर कितना ज़्यादा फ़र्क है मेरे भाई इस फ़ोटो में, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे, ओरिजिनल फ़ोटो को ले लेंगे। एंड ओरिजिनल फ़ोटो को लेने के बाद मेरे भाई डायरेक्ट लाइटरूम एप्लीकेशन में इम्पोर्ट कर देंगे। ओके, लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट होने के बाद मेरे भाई ऊपर के साइड में देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको ऐड फोटो का ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, तो फाइनली इसके ऊपर क्लिक करके ऑल फोटो के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। एंड ऑल फोटो के ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले मेरे भाई जो पहले फ़ोटो था उसको हम डिलीट कर लेते हैं। और अभी वाला फ़ोटो देखिए मेरे भाई अभी इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो एक बार फिर से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई अभी वाला फ़ोटो हमारा इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है ना। एंड मेरे भाई इंपोर्ट हो जाने के बाद सबसे पहले क्या करना होगा मेरे भाई, आपको लाइट के ऊपर क्लिक करना होगा। एंड लाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। एंड हाईलाइट को इतना पे कम कर लीजिएगा मेरे भाई। एंड शेडो को इतना बढ़ा दीजिएगा। एंड वाइट एंड ब्लैक्स को इतना कम कर दीजिएगा। ओके, डन मेरे भाई। इतना काम हो जाने के बाद अब आपको क्या करना, कलर्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड कलर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई मिक्स के ऊपर क्लिक करना होगा। एंड मेरे भाई सबसे पहले तो आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना होगा। ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेने के बाद मेरे भाई इसका ह्यू कम करना है, एंड सेचुरेशन को बढ़ा देना है इतना। डन मेरे भाई। आपको फिर से ग्रीन येलो कलर सेलेक्ट करना है, इसका सेचुरेशन थोड़ा सा कम कर देना होगा मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई यहाँ सेकेंड वाले कलर को आपको सेलेक्ट कीजिएगा, इसका सेचुरेशन इतना पे कम कीजिएगा। एंड लुमिनस को इतना पे बढ़ा दीजिएगा। डन मेरे भाई। इतना काम हो जाने के बाद सबसे पहले तो मेरे भाई आपको सेकेंड वाले जो सेचुरेशन होगा मेरे भाई उसको ऊपर ह्यू का ऑप्शन होगा, इसको थोड़ा सा इतना कम कर देना होगा। एंड मेरे भाई यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाले कलर को सिलेक्ट करके इसका सेचुरेशन पूरा इतना पे बढ़ा सकते हैं। डन। इतना काम कर देने के बाद मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ब्लू कलर का सेचुरेशन पूरा कम कर देना होगा। ओके, ब्लू कलर सेलेक्ट करके कर लीजिएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर देखिए इफेक्ट का ऑप्शन आएगा, इसका क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा आपको। एंड टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। एंड मेरे भाई डिटेल के ऊपर आना है, शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ाना है। एंड नाइट ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। डन मेरे भाई। इतना काम हो जाने के बाद आप बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिएगा, ठीक है ना, पहले और अब देख लीजिएगा। और मेरा भाई मैं अपने फेस एंड बैकग्राउंड में कैसे चमक डालता हूँ सब कुछ इस वीडियो में बताया हूँ मेरा भाई, तो प्लीज़ आप एंड तक वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले मेरा भाई अपने मोबाइल का डाटा ऑन कर लीजिएगा। एंड मोबाइल का डाटा ऑन कर लेने के बाद मेरे भाई इस फोटो को यहाँ से शेयर कीजिएगा। कहाँ पे, तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, तो यहाँ से इस फोटो को डायरेक्ट आप शेयर कर लीजिएगा मेरे भाई फोटोरूम एप्लीकेशन में। फोटोरूम एप्लीकेशन में जैसे शेयर कीजिएगा कुछ इस तरीके से लोडिंग लेगा। यहाँ से नो थैंक्स कर देना होगा आपको। नो थैंक्स जैसे ही करेंगे मेरा भाई ऐसे कटआउट करके आपका रेडी कर देगा। ओके, डन मेरे भाई। आपको इसमें क्या छेड़छाड़ नहीं करना है सब कुछ मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, ऐसे स्क्रॉल करके जाना है, स्क्रॉल करके जाना है। और यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई फ़ोटो एडिटिंग क्लासेस, इसमें आ जाना है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा मेरे भाई फ़ोटो एडिटिंग क्लासेस में आपको ब्लर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ ब्लर सेलेक्ट कर लीजिएगा मेरे भाई। ब्लर सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मॉडल को क्लिक करना और थोड़ा सा इधर इसको घसका देना है। और यहाँ बैकग्राउंड पे दो चार बार ऐसे करके क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, ब्लर कर देगा। ओके, बहुत ही अच्छा ब्लर, मतलब प्रोफेशनल, ऐसे ना लगेगा कि हम दूसरा मतलब ऐप से किए हैं, बहुत ही मतलब ऐप से किए, सॉरी मेरे भाई, मतलब ऐसे आपको नहीं लगेगा कि फ़ोटोरूम एप्लीकेशन से किया गया है, जो कि मेरे भाई बाल के ऊपर थोड़ा बहुत छूट जाता है तो बहुत बेकार दिखता है, तो मेरे भाई इससे बेकार नहीं दिखेगा। यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना होगा मेरे भाई। एंड बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ब्लर का ऑप्शन होगा, ब्लर के ऊपर क्लिक कर लेना होगा मेरे भाई। क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ सेकेंड वाले ब्लर को सिलेक्ट करना होगा और उसको मेरे भाई इतना पे बढ़ा के रख लेना होगा 43%। डन मेरे भाई, यहाँ से डन कर देना होगा। उसके बाद फिर से बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना होगा मेरे भाई। एंड मेरे भाई अब की बार क्या करना होगा, आपको एडजस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा।
जैसे ही एडजस्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा मेरे भाई, कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा। सबसे पहले ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, वार्म्थ को मेरे भाई इतना पे बढ़ा देना होगा आपको, एंड मेरे भाई कंट्रास्ट को थोड़ा सा इतना बढ़ा देना होगा, एंड हाईलाइट को थोड़ा सा आप छेड़छाड़ करके देख लीजिए, इसको कम ही रखना है, एंड मेरे भाई लो लाइट को इतना कम कर देना है। ओके डन। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई सैचुरेशन के ऊपर क्लिक करना है, सैचुरेशन को आपको फाइनली इतना पे बढ़ा देना होगा, देख लीजिए। डन मेरे भाई। इतना काम हो जाने के बाद ह्यू के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, ह्यू के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा आपको रेड टोन में डाल देना होगा। इतना इतना कर देने के बाद मेरे भाई यहाँ से डन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से शेयर करेंगे, कहाँ पे, तो पिक्सार्ट एप्लीकेशन में। पिक्सार्ट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई कुछ इस तरीके से हमारा फोटो दिखेगा। तो सबसे पहले मेरे भाई अपने बाल में एंड बैकग्राउंड में क्लियरिटी कैसे डालना है, तो सब कुछ मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। सबसे पहले आपको टूल्स के ऊपर क्लिक करना होगा, और मेरे भाई यहाँ रिमूव का ऑप्शन होगा, रिमूव के ऊपर क्लिक करके मेरे भाई फाइनली से आपको क्या करना है, फोटो रूम का जो लोगो होगा ना, इसको आप रिमूव कर लीजिएगा। जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ मेरे भाई, सेम टू सेम आप भी रिमूव कर लीजिएगा। रिमूव हो जाने के बाद यहाँ से डन कर दीजिएगा मेरे भाई। उसके बाद फिर से टूल्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद स्विच के ऊपर क्लिक करके मेरे भाई अपने बाल को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ओके डन। इतना काम हो जाने के बाद डन कर दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई आपको एक लाइट PNG ऐड करना होगा, तो इस वाले लाइट PNG को ले लेना है मेरे भाई, और ब्लेंड करके स्किन करके मेरे भाई आपको पता ही होगा, इसको यहाँ पे रखना है, और एक और डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख देना है, और इसका सैचुरेशन कम करना है, और इसका भी सैचुरेशन मेरे भाई ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है ना। डन। इतना सैचुरेशन नहीं कम करना है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव कम कर लीजिएगा। ओके वो गलती से निकल गया मेरे मुँह से मेरे भाई। तो इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से अपने फेस के ऊपर मेरे भाई क्लियरिटी डालना होगा। ओके फेस क्या बोले मेरे भाई, बैकग्राउंड और यहाँ बाल के ऊपर क्लियरिटी डल जाता, तो ऑटोमेटिक फेस के ऊपर क्लियरिटी आ जाता है। तो यार टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे मेरे भाई, एंड मेरे भाई यहाँ एडजस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, एंड मेरे भाई क्लियरिटी को इतना बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ शेडो को इतना कम कर दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ इरेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और अपने फेस के ऊपर से इरेज कर लीजिएगा, केवल फेस के ऊपर से, ठीक है ना, बाकी सब रहने देना है मेरे भाई। उसके बाद डन कर देना है, और उसके बाद यहाँ से भी डन कर देना है। डन मेरे भाई। फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना, और फिर से एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना, और इसका क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है, एंड मेरे भाई यहाँ से शेडो को थोड़ा सा कम करना है, एंड मेरे भाई सेम टू सेम वही काम कर देना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से डन कर देना है। डन। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ ड्रा वाले ऑप्शन पे आना है। ड्रा वाले ऑप्शन पे आने के बाद मेरे भाई यहाँ देखिएगा 3 डॉट का ऑप्शन होगा, 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा मेरे भाई, एंड यहाँ से सेव कर देना होगा। सेव कर देने के बाद मेरे भाई अपने गैलरी को ओपन करना है, एंड गैलरी को ओपन करने के बाद मेरे भाई इसी फोटो को क्या करना है, लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर देना है। तो चलिए मेरे भाई फटाफट से क्या करते हैं, लाइटरूम एप्लीकेशन में इस फोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं हम। लाइटरूम एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई इस फोटो को सिलेक्ट करना होगा, एंड सिलेक्ट करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा लाइट के ऊपर क्लिक करना है मेरे भाई। इसका कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम करना है, लाइट को थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद मेरे भाई शेडो को इतना बढ़ा देना है, एंड वाइट एंड ब्लैक्स को इतना पे रखना है आपको। डन। इतना काम हो जाने के बाद मेरे कलर्स के ऊपर आना है, मिक्स के ऊपर आना है, और सेकेंड वाला कलर सेलेक्ट करके सैचुरेशन कम करना है, लुमिनस कम करना है, एंड मेरे भाई ह्यू को इसको थोड़ा सा कम कर देना है। डन। इतना काम होने के बाद मेरे भाई सेम टू सेम वही काम इसमें भी करना है। उसके बाद मेरे भाई ब्लू कलर का सैचुरेशन सब डिसचुरेस कर देना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, क्लियरिटी और टेक्चर को दे देना है, और उसके बाद मेरे भाई इस फोटो को डायरेक्ट ओपन करना होगा आपको, कहाँ पे, तो ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई यहाँ इस लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में आ जाना है। सेटिंग देख लीजिए मेरे भाई, ये ब्रश देख लीजिए सबसे पहले, तो मेरे भाई इस वाले ब्रश को आपको लेना होगा, एंड मेरे भाई यहाँ सेटिंग का ऑप्शन होगा, और देख लीजिएगा फ्लो को ऑन और स्ट्रेंज को ऑन रखना है। उसके बाद कटआउट करना है मेरे भाई। उसके बाद अपने फेस को अच्छे तरीके से जूम करके मेरे भाई और अपने फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ करना है, जैसे कि देख लीजिए मेरे भाई मैं अपने फेस को कितना अच्छे तरीके से स्मूथ कर रहा हूँ। तो सेम टू सेम मेरे भाई वही प्रोसेसिंग होता है मेरे भाई, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है मेरे भाई, और मेरे भाई फेस को स्मूथ करना होता है।
तो बस मेरे भाई आप थोड़ा सा टाइम लेकर फेस को स्मूथ कीजिएगा। देखिए मेरे भाई यहाँ पर हमारा फेस स्मूथ कितना अच्छे तरीके से तगड़ा हो चुका है। और मेरे भाई ऐसे ही क्या करेंगे, हम पूरे अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। तो देख लीजिए मेरे भाई कितने अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है आप सबके सामने। तो मेरे भाई मैं पूरा फुल स्मूथ करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं भाई आप सबको सिर्फ डेमो एक दिखाता हूँ मेरे भाई। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं न्यू एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।